शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचासीन, वरिष्ठ साथी, अतिथिगण, इस सभागार में जितने साथी, हम उम्र वरिष्ठ, माताएं, बहनें, तमाम क्रांतिकारी साथी, आप सबको जय भीम। तो मेरे से पहले इतने सारे ओजस्वी वक्ताओं ने इतनी सारी बातें कह दी है कि लगता है कि अब मैंने कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी वो रिपीट ना हो, लेकिन कोशिश करता हूं कि थोड़ी कुछ मिनट में अपनी बातें भी रखूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक श्रवण कुमार निराला जी और उनकी टीम, अंबेडकर जन मोर्चा के जितने साथी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बधाई इस बात के लिए कि जहां इतनी कपकपाती सर्दी है, ठंड है, वहां पे गर्मी बढ़ाने वाली इतनी शानदार कार्यक्रम का, वैचारिक गर्मी बढ़ाने वाली इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप सुबह से तमाम हजारों की संख्या में यहां साथी एकत्रित हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया इसलिए कि आपने मुझे आमंत्रित किया, यहां बुलाया और खूब घुमाया भी, खूब खाना भी खिलाया और मुझे बोलने का अवसर भी दिया, इसके लिए शुक्रिया। साथियों, मैं कल आया यहां पर और कल आया तो सबसे पहले मैं गया मगहर, कबीर साहब की समाधि, उनके मजार। उसके बाद वहां से आया शाम में तो बाबा गोरखनाथ के मंदिर के में गया। हाँ, गोरखनाथ के मंदिर गया था। बाबा गोरखनाथ को और नाथ पंथ को पढ़ने की भी जरूरत है, सिर्फ मंदिर समझ के आप भड़किए नहीं। उसके बाद वहां से निकला तो वहां से रविदास जी के मंदिर भी गया, वहां कुछ साथियों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। और मेरा घर यहां से जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो चंपारण, और चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर है, तो मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला, तो यह भी जानता हूं और इतिहास का छात्र भी हूं, तो यह भी जानता हूं कि यह गोरखपुर का जो एरिया है यह बुद्ध की भी कर्म भूमि है। तो अब आप बुद्ध साहब को, बाबा गोरखनाथ को, कबीर साहब को और रविदास साहब के इन्हीं के विचारों को अगर मिलाकर चलते और काम हुआ रहता तो भारत आज विश्व शक्ति बन गया रहता। ये बात दिलचस्प यह है कि बाबा गोरखनाथ के मंदिर में तथागत बुद्ध और कबीर साहब की और संत रविदास की तमाम मूर्तियां हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मूर्तियां हैं, सो गले में माला और विचारों पर ताला है। गले में माला और विचारों पर ताला है। बाबा साहब ने भी कहा था 25 नवंबर 1949 को कि भक्ति, भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में निसंदेह तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा, और इसलिए आप सब वोटर भी हैं तो आप समझ लिए वोटर हैं कि भक्त हैं क्या, आपको खुद ही तय करना है कि भक्त, भक्त सवाल नहीं करता है, भक्त भक्ति करता है, फॉलोअर सवाल भी कर सकता है, अपने नेताओं से सवाल कर सकता है। तो भक्ति अगर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में गाय गोबर ही होगा, तर्क और विज्ञान नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ रहे, भक्ति इसका मतलब है कि अपने नेताओं से सवाल करने की भी कि राय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। अभी जितनी बातें हुई उसमें ज्यादातर सरकार और उनकी व्यवस्था की आलोचना थी, उसकी समीक्षा थी। लेकिन मेरे साथी कई दिल्ली से आए हुए यूट्यूब चैनल के साथी हैं और कई बार हमें सुनते रहते हैं दिल्ली में, लेकिन मैं सरकार की आलोचना वैसे नहीं कर रहा,
और मैं उल्टी बात कह रहा हूं कि लगता है कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ईमानदार सरकार आई है, पहली बार अपने वैचारिक रूप से ईमानदार सरकार आई है। और ईमानदार इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको संविधान नहीं मानना है तो नहीं मानना है, इनको मनुस्मृति लागू करना है तो करना है, इनको दलित पिछड़े का अधिकार छीनना है तो छीनना है, इनको अल्पसंख्यकों को डराना है तो डराना है। एकदम ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ईमानदार सरकार, मैं तारीफ करता हूं कि जो एजेंडा लेकर आए हैं कि इसको जो है भारत को एक जनऊ राष्ट्र बनाना है, जनऊ राष्ट्र में कहता हूं, जनऊ राष्ट्र, इसको मनु राष्ट्र बनाना है, तो ईमानदारी से एकदम वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी आलोचना नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए दूसरे तरीके से। अब दिक्कत कहां है भाई? अभी आप लोग पूर्वांचल के लोग हैं तो छठ में या दिवाली में घर की पुताई करते हैं ना, पुजारा करते हैं, दो साल में कपड़े भी बदल लेते हैं, और सालों साल नेता नहीं बदलोगे और जब आपके लीडर डीलर हो जाएंगे, जब आपके लीडर डीलर हो जाएंगे जो आपके मुद्दों पे आवाज नहीं उठाएंगे, सड़क पे हम लोग लड़ेंगे और मुख्यमंत्री आप बनिएगा, प्रधानमंत्री आप बनिएगा। तो आप देखाएगा कि जब आप अपने, जब आपके लीडर डीलर हो जाएंगे तो भाजपा तो ठीक ही कर रही है, फिर तो ठीक कर रही है, वो तो अपने एजेंडे पे कायम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी विपरीत परिस्थिति में दो बार भारत बंद हुआ, इसको छोड़कर जो पार्टी ट्रेड यूनियन का था 8 जनवरी को छोड़कर, पहले दो बार भारत बंद हुआ 2 अप्रैल 2018 को और 5 मार्च 2019 को। आप अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि जो SC ST कानून के जो लागू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसके खिलाफ जो समाज के लोग सड़क पे थे, तो उस समय आप कहां थे? भाजपा तो ठीक है, वोट के समय हिंदू बनाती है और अधिकार देना हो तो डंडे पीटती हो, तो ठीक ही करती है। तो आप तो वोट के समय हमें बहुजन बनाते हो, और जब हमें अपने अधिकार की रक्षा करनी होती है तो आप अपने मुंह में दही जमा लेते हो, आपकी आवाज नहीं निकलती। तो ये सवाल उठाने का अधिकार भी हमें बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के संविधान ने दिया है। इसलिए सवाल तो हम सबसे पूछेंगे, सवाल सबसे पूछेंगे। एक जिंदा समाज सवाल करता है, एक गुलाम कौम कभी सवाल नहीं करता। इसलिए वोट भी देंगे और सवाल भी पूछेंगे, वोट भी देंगे और सवाल भी पूछेंगे। जो समाज अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछता, उसका नेता तानाशाह हो जाता है, उसका नेता निरंकुश हो जाता है। नेता के पास मैं जाता हूं, मैं मिलता हूं बहुत सारे नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं। मैंने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, वाइस चांसलर नहीं बनना है, रजिस्ट्रार नहीं बनना है, मुझे MLA का टिकट नहीं चाहिए आपसे, मुझे MP का टिकट नहीं चाहिए, मुझे मंत्री नहीं बनना है, कुछ भी नहीं लेना है आपसे। मैं आया हूं आपके पास तो समाज के काम के लिए आया हूं, इसमें अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी समीक्षा करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी नेता से जाकर पूछ लीजिए कि मैंने उनसे रेल का टिकट भी कंफर्म नहीं कराया है, मैं जो बनना होगा अपने कर्मों से बने, अपने कर्मों से बने। अरे हम थोड़ी CBI से डरते हैं, हम थोड़े इनकम टैक्स से डरते हैं, हम थोड़े ED से डरते हैं, हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते हैं? कि हमने जो कमाया है वो यहां है, वो यहां है। अब मारो छापा, यहां कैसे इनकम टैक्स का छापा मारोगे और ED का छापा मारो? खास तौर से मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं, जितनी बातें हुई है ना, ये शिक्षा रोजगार तमाम, ये सब घटना नहीं संकेत है, समझिए बात। जब पूरे शहर में बम गिरता हो
तो भाई साहब अपना आप बुलेट प्रूफ घर बनाने होंगे ना, तो बचेंगे आप ही नहीं। जब पूरे संविधान ही पे हमला है तो कहां छात्रवृत्ति और कहां रोजगार की बात कर रहे हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा और कैसे नहीं रहेगा, तो 5-10 मिनट अभी टाइम हुआ तो मैं बात उस पर रखूंगा कि ये सब कुछ नहीं घटना, रोहित बमुला घटना नहीं संकेत था सांस्थानिक दमन। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं तो 22 साल पढ़ा चुका, 23वां साल है और कम से कम 4-5 सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे में लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि लोग क्या चाहते हैं। विश्वविद्यालय क्यों वैचारिक रणभूमि बना हुआ है कि आपके घर से पहली बार लोग एमफिल और पीएचडी करने और लेक्चरर बनने विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, कि जहां पे सिर्फ पहले पूजा पाठ कर्मकांड होता था वहां पे फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले, फुले साहब, पेरियार साहब, अंबेडकर साहब, कांशीराम, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, सब पे चर्चा हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं मरोड़ उठ रहा है, मरोड़ व्यवस्था में उठ रहा है। तो ये साहब जो बैठे हुए हैं, साहब नेता से आपके नेता से थोड़े ही डर रहे हैं। नेता तो जैसे ही बोलेंगे तो बोलेंगे लगाओ इनकम टैक्स, लगाओ इस पे, लगाओ इनकम टैक्स। ये सरकार को जो परेशानी हो रही है वो हमारे आपके जैसे सोशल एक्टिविस्ट की वजह से परेशानी हो रही है। ये परेशानी हो रही है तो विश्वविद्यालय से परेशानी हो रही है, ये परेशानी हो रही है तो शोध से, शिक्षा से परेशानी हो रही है। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों के जो है स्कूल कॉलेज जाने बंद करने का पूरी इंतजाम कर दिया गया है, पूरा इंतजाम कर दिया गया, चिंता ना करें। होता क्या है बहुजन जमात हम 85% है, 85%। अरे भाई साहब, कबूतर अगर रेत में अपनी आंखें छुपा ले, बालू में, इधर बालू बोलते हैं, बालू में, और सोचेंगे कि बिल्ली नहीं खाएगी, ये प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं, कबूतर का है। अगर आप बिल्ली को दही की रखवाली देंगे और सोचेंगे कि दही बची रहेगी तो बिल्ली का प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम है। ये खेल समझना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम यहां आपके बीच इसलिए नहीं आए, 5 दिन काम करना होता है कॉलेज में और 2 दिन शनिचर इतवार। जो भी साथी सोशल मीडिया पे हैं, मेरे फेसबुक ट्विटर से उठा के देख सकते हैं, मेरी कभी छुट्टी नहीं होती है, 2 दिन समाज के नाम होता है, भारत के तमाम भागों में जाकर ये बात करने आए। आपसे कुछ मांगने नहीं आए, आपसे कोई टिकट मांगने नहीं आए, आपसे वोट मांगने नहीं आए, आपसे चंदा मांगने नहीं आए, कुछ नहीं मांगने आए। बाबा साहब की वजह से जो पढ़ा समझा और जो तमाम व्यवस्था देख रहा हूं और जो समझता हूं, मैं अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझता हूं कि समाज को जगाना है, समाज को जगाना है। जो समाज जिंदा रहता है उसी के अधिकार, आबरू और सम्मान सुरक्षित होते हैं, उसी के इज्जत, आबरू और सम्मान सुरक्षित होते हैं। इसलिए बाबा साहब ने सारे व्यवस्था संविधान में कर दी है, सारी व्यवस्था संविधान में कर दी है कि संविधान का अगर पहला लाइन पढ़ेंगे तो जय श्री राम और अल्लाह अकबर से नहीं शुरू हो रहा है। वो जानते थे ये बात कि इसी संविधान का, इसी लोकशाही का इस्तेमाल करके भारत में आज न कल कोई तानाशाह पैदा होगा जो संविधान को खत्म करेगा, संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने पहला लाइन क्या लिखा था, हम भारत के लोग, कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे हक हकूक इज्जत आबरू खतरे में है, जब भी लगे कि लोकशाही पे हमला हुआ है, संविधान पे हमला हुआ है, तो संवैधानिक तरीके से संविधान ही तुम्हें अधिकार देता है कि हम भारत के लोग सड़कों पे आओ, हम भारत के लोग सड़कों पे आओ, सरकार का चक्का जाम करो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे सरकार जिसको आप अपनी सरकार कहते हैं वो भी अगर जन विरोधी काम करे, बहुजन विरोधी काम करे, तो संविधान यह हक हमें देता है कि उसके खिलाफ भी हल्ला बोल करना है। यह बात समझ लीजिए। देखिए, कम्युनिस्ट बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, अंबेडकरवादी बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, गांधीवादी बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, लोहियावादी पढ़ने के लिए बनना पड़ता है, समाजवादी बनने के लिए।
लेकिन भक्त बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर लेना है। तो आप सोच लो आप जो ही बनो, चाहे कम्युनिस्ट बनो उसमें भी तर्क है, अंबेडकरवादी बनो तर्क है, समाजवादी बनो, गांधीवादी बनो, लेकिन भक्त बनोगे तो आंख बंद हो जाएगा, माथे में गोबर ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। और इसलिए मैंने गांधी का नाम भी, मेरी एक किताब यहां पे एक अनुवाद हमने किया है, किताब अरुंधति जी की किताब है, अरुंधति रॉय की किताब है, वो हमने हिंदी में अनुवाद किया, यहां रखी हुई किताब है, एक था डॉक्टर एक था संत, उसमें जाति और नस्ल के प्रश्न पे जो गांधी और अम्बेडकर के पूरे जो विमर्श जो अंतर विरोध है उसी में पूरी किताब है। लेकिन मैं तभी यह कहता हूं कि गांधी में, लोहिया में, अंबेडकर में, जवाहरलाल नेहरू में, तमाम ऐसे लोग में वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से रहे, लेकिन वो सब मिलकर एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जब सावरकर और गोडसे जब खड़े होंगे तो मुझे गांधी, लोहिया, अंबेडकर को भी साथ ही लाना पड़ेगा, ये भी बात हमें समझना है। ये बात समझने की जरूरत है कि सब कुछ को मीन में नहीं निकालिए, सहमतियों पे चलने की आदत डालिए कि 51% हमारे आपके बीच अगर सहमति है तो हम लोग काम कर लेंगे। होता क्या है हमारे बहुजन समाज में, मैं देखता हूं, अच्छा इन्होंने प्रणाम कराया, अच्छा हमने तो फोन नहीं किया तो हम नहीं आएंगे। अरे हम लोग जैसा आदमी जब भी रहते हैं कि जंतर मंतर में सुनते हैं कोई रैली हो रहा है तो भाषण देने नहीं, भीड़ बढ़ाने एक पहुंच जाते हैं कि 999 तो मेरे एक जाने से 1000 हो जाए, और मोबाइल ऑन करते हैं तो मेरे मोबाइल में 25-30 हजार लोग हैं, तो आधा पत्रकार भी हूं तो उसी बहाने 2-4 हजार आदमी और देख लेता है, तो मैं कितना नंबर बढ़ा दिया 3000। तो कम से कम हमारे लोग में दिक्कत यह है कि 98% हम लोग की सहमति होगी, अब 2% सहमति नहीं होगी तो हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। ये आदत को बदलिए, झगड़ा उनमें भी है। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, अब मैं बताऊंगा कि किसका कितने बार नाश किसने किया था, किसका कितना बार नाश किसने किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन वो शासक वर्ग है, वो अपने अंतर विरोधों को छुपाता है और मिल के रहता है, अपने एजेंडे पे काम करता है, इसलिए हुकूमत वो चलाता है। हमारे बीच ये समस्या है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करते हैं। साथियों यार, हम जहां भी जाते हैं वो आरक्षण 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 पे बात सीमित हो जाती है। भाई आप अपना आंख बंद कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते, आरक्षण है कहां पर लिए मुझे बताओ, खत्म नहीं। आप ये मान के चलो कि संविधान खत्म करने की कभी घोषणा नहीं आएगी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से कभी संविधान नहीं खत्म होगा, कभी अधिसूचना नहीं जारी होगी, लेकिन तब भी संविधान खत्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने लिखा है, उसी भाषण में कहा था, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था संविधान सभा के सामने, जब संविधान उद्देश्य को सौंप रहे थे, कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग खराब हुए तो संविधान खराब ही होगा। फिर कहते हैं कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हुए, नियत साफ रही, तो संविधान अच्छा होगा। संविधान कैसे लागू होगा यह निर्भर करता है वहां की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पे, विधायिका पे, न्यायपालिका पे, और उसके लागू करने वाले एजेंसीज पे, लागू करने वाले एजेंसीज पे ये लागू होता है। ये क्या आपको लगता है कि इस देश में संविधान ड्यूटी, देखिए त्रासदी, कि संविधान की शपथ लेकर, संविधान का शपथ लेकर ही संविधान की हत्या हो रही है और लोग ताली बजा रहे हैं। बहुजन जमात के एमपीज, एससी एसटी ओबीसी एमपीज पार्लियामेंट में
रोस्टर का मसला उठा था 5 मार्च को, आवाज नहीं निकली थी हमारे नेताओं की। एक हमारी बड़ी नेत्री है, उन 5 मार्च का भारत बंद था और उनका ट्वीट आया था 6 मार्च को, 6 मार्च को आया था। तो कोई नेताओं की आवाज नहीं निकलती है, संविधान की शपथ ली जाती है और संविधान के मूल भावनाओं की हत्या हो रही है। यह है त्रासदी इस युग की। इसलिए हम लोग जैसे लोग आपके बीच आए, इसलिए नहीं कि मेरा भाषण सुन के आप ताली बजा देना। जो बात सुनना, जो समझना, जो पढ़ना, घर घर में जाकर उसका प्रचार करना, चर्चा करना, चाची से, मामी से, भौजी से, तमाम लोगों से चर्चा करना इस बात की। अभी कार्यक्रम एजेंडा सेट की होने की बात हो रही थी, चले गए प्रोफेसर साहब। मैं तो सिर्फ एक लाइन में एजेंडा आपको दे रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शत्रु कौन है, शिक्षित कौन है, सॉरी शिक्षित कौन है, शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है। तो शत्रु बाहरी भी है, आजकल ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसको हमारे लोगों ने भी पाला है, ऐसी बात नहीं है, हमारे लोगों ने भी इसको दूध पिलाया है, पाला है। तो बाहरी भी है और आंतरिक भी है कि अंदर अंदर इनके साथ सेटिंग किया रहता है, किसी चीजें बोलना नहीं है। तो आंतरिक शत्रु को भी पहचानो और बाहरी शत्रु को भी पहचानो। आंतरिक मतभेद जब भुलाकर 51% ध्यान रखना, 50+1 पर सरकार बनती है, 100% शुद्ध तो कहीं नहीं मिलेगा, मियां बीवी में तो पटता ही नहीं, पति पत्नी में नहीं पटता है, बाप बेटा में नहीं पटता है, भाई भाई में नहीं पटता है, तो ये तो चलते रहेंगे। लेकिन जब बड़ी जमात की बात होती है तो बहुत सारी चीजें भुलानी पड़ती है। साथियों, समय आप लोग ठंडे में थोड़ा सा परेशान भी हैं, लेकिन क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो कही के जाना, आपका इतना खर्चा भी करवाए और टाइम भी लिए। साहब जहां जहां सरनवाए, साहब बड़े साहब, यहां छोटे साहब, समझ गए बड़े साहब, जिस जिस के सामने वो सर झुकाएंगे, वो समझना वो व्यक्ति और संस्थान संकट में है। पार्लियामेंट के सामने सर झुकाए थे, सारा पार्लियामेंट प्रोसीडिंग जो है खत्म मामला है। बाबा साहब और सरदार पटेल के बारे में बार बार बात करते हैं, बार बार, तो समझ लेना कि बाबा साहब और सरदार पटेल के विचार संकट में है, खतरे में, यह बात समझ लेना है। कि बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, हर बात खोल खोल के नहीं समझाया जाता है। तो बार बार कहते हैं हम मन की बात कर रहे हैं। अरे साहब, कभी काम की बात भी कर लो, मन की बात तो बहुत करते हो। अरे मन की कर रहे थे कि मनु की कर रहे थे, बात समझ ही में नहीं आ रहा था, क्यों मन का था कि मनु का था, जैसे बोले सबका साथ सबका विकास, वो बोले कुछ और थे, सबका साथ और ज्यादातर का विकास विनाश बोले थे। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, दलित पिछड़ा, मुसलमान परेशान है, आदिवासी पर सब परेशान है। तो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये मोटा मोटी ये बात यही है। साथियों, अभी जो नया नया अभी आया है, बड़ा आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा बहुत सुन के, और घर घर प्रचार करना है और इसका विरोध करना है, हम उसके विरोध में खड़े हैं। सरकार के नए तुगलकी फरमान जो CAA नागरिकता संशोधन कानून और NRC NPR देन NRC नेशनल इन रेजिडेंट सर्टिफिकेट कि NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन सॉरी कि NRC आया है, इसको समझिए जरा, एक खेल क्या है इसमें। ये संविधान की शपथ लेके ही पास हुआ है और दोनों दोनों सदन से पास हुआ है। तो मैं एक लाइन में ये समझा रहा हूं आपको कि पहले हुआ नोटबंदी हुआ, और जब जब लोग सड़क पे आते हैं अपने हक हकूक के लिए,
तो नेट बंद ही होता है, नेट बंद कर देता है ना। हर जगह देखा कि उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और तमाम जिलों में अभी कई साथी फोन कर रहे थे कि नेट बंद है। तो नोटबंदी, नेटबंदी और ये जो आया है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन और CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये है बेसिकली वोट बंदी है। समझ गया क्या है वोट बंदी? मतलब वोट देने का अधिकार बंदी है। ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, ये बात समझ लेना बहुजनों। CAA में क्या था कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और कहां, अफगानिस्तान है, यहां से खाली मुसलमान को छोड़कर 6 संप्रदाय के लोग आएंगे तो उनको यहां नागरिकता देंगे। तो सरकार चाहती थी कि ये जो मामला जो है हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, लेकिन भारत की जनता भी अजीब है, वोट तो हिंदू के नाम पे दे देती है, लेकिन इस बार साहब का कैच सीधे बाउंड्री पे पकड़ाया है, छक्का नहीं मारा, सीधे बाउंड्री पे कैच पकड़ लिया पब्लिक ने, बोला हिंदू मुसलमान नहीं है, जनता बनाम सरकार है। कि हिंदू और मुसलमान नहीं है, ये जनता बनाम सरकार है, इसलिए सरकार टाइम टाइम फिश। अपने SC ST OBC के सांसदों और मंत्रियों को लगाया है कि जाओ अपने अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में जाके बोलो कि दलितों के पक्ष में है, दलितों के पक्ष में है। हम बोले अभी कैसे पक्ष में है, हम लोग है ना समझाने के लिए, हम लोग है इधर। तो सामने एक पत्रकार ने पूछा कि भाई केरल के विधानसभा में जो पास हुआ है कि NRC और CAA के विरोध में जो यूनानिम पास हुआ है, नागरिकता का सवाल तो केंद्र सरकार का सवाल है, क्या केरल विधानसभा ने जो पास किया है वो कानूनी है, वैधानिक है? तो हमने सवाल उलट के पूछा कि CAA और NRC जो पास किया वो वैधानिक है? संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का अधिकार, चाहे प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बने तब भी आपको है? नहीं है। तो जब आपने छेड़छाड़ कर दी नागरिकता के सवाल पे, अगर कुछ समय होगा तो उसमें भी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था और पटेल साहब ने क्या कहा था और राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था। धर्म के आधार को सबने नकारा था, संविधान पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग सब थे, आज के पार्लियामेंट जैसा नहीं, आज के पार्लियामेंट जैसा नहीं है, बड़े विद्वान लोग थे और लंबी बहस होती थी। सबने नागरिकता के सवाल पे धर्म के आधार को अस्वीकार किया था और मोदी साहब की सरकार ने धर्म के आधार पर नागरिकता एक्सक्लूड और इंक्लूड करने का बिल पास किया, इसलिए इस संविधान विरोधी है, इस संविधान पे हमला। कि भाई ये भी घटना नहीं संकेत था, मैंने क्यों कहा कि इस बार मारे हैं बैटिंग छक्का मारे हैं लेकिन कैच पकड़ा गया, इसलिए कि आप 6.5 साल के कार्यशैली को देखो, 370 हो, 10% जनऊ आरक्षण हो, हम इसको जनऊ आरक्षण कहते हैं, पहली बार जाति के आधार का आरक्षण मिली है, पहली बार SC ST का आरक्षण जाति के आधार पे नहीं है, वो सोशल एक्सक्लूजन के आधार पे है। OBC का आरक्षण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे है, लेकिन ये पहली बार यह जाति के आधार पे आरक्षण आया है, तो ये भी संविधान विरोधी था। और हमारे बहुजन नेता सब जो है, मुठोकवा नेता इसको बोलते हैं, मुठोकवा समझते हैं ना, साहब जो बोलेंगे हाथ उठा लेना, मुठोकवा नेता सब कुछ पढ़ता उड़ता भी नहीं है, कि साहब बोले आला कमान फ्यूडल लॉर्ड, आला कमान फ्यूडल लॉर्ड। तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया था वोट देने का अधिकार था, आरक्षण नहीं था, आरक्षण खत्म हो चुका है, आपको पता नहीं है।
सबसे बड़ा अधिकार दिया था वोट देने का अधिकार, कि राजा आप जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा। और यहां हमारे नेता सब उत्तराधिकारी घोषणा कर रहे हैं उत्तराधिकारी घोषणा कर रहे हैं। तो भाई साहब उत्तराधिकारी घोषणा कर रहे हैं तो एमएलए एमपी आप टिकट से बना सकते हो, एमएलए एमपी टिकट से बना सकते हो, नेता नहीं बना सकते हो, क्योंकि नेता जन नेता हर समय जन आंदोलन से निकलता है, जन नेता आंदोलन से निकलता है। और जिस दिन आप आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, तो आपको क्या लगता है एक एक नेता की जरूरत है इस देश में? अभी तो सैकड़ों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और लोहिया साहब, सैकड़ों लोगों की जरूरत है, आपको अपने घर से ऐसे लोगों को बनाना पड़ेगा। ये बात हमें समझनी है। तो ये जो कानून पास किया है उन्होंने, ये बेसिकली वोटबंदी है। अब एनआरसी लागू हुआ आसाम में, तो पता लगा 19 लाख लोग जो जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, बड़े बड़े वहां के पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं, बड़े सेना के अधिकारी का भी नाम नहीं है, जज का भी नाम नहीं है, बड़े बड़े लोग के नाम नहीं। तो 19 लाख में 13 लाख हिंदू ही है। अब कह रहे हो भाई जिसका वोट लेकर सरकार बनाए उसी को करो नागरिकता सिद्ध करो, तो अगर उसकी नागरिकता सही नहीं है तो जिस वोट से आपने सरकार बनाई तो आपकी सरकार भी गलत है, इस्तीफा दो, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। तो बोले देश का राष्ट्रपति है हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारा मुख्यमंत्री ज्यादातर हिंदू है, सारे बड़े बड़े पोजीशन पे हिंदू है, सारे वाइस चांसलर हिंदू है, फिर भी कह रहे हो हिंदू ही खतरे में। तो वाकई हिंदू खतरे में है, क्योंकि आपने इन हिंदुओं को जेल में डाला है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला है, इसलिए ये हिंदू खतरे में है, इस देश का नौजवान खतरे में है, इस देश का मजदूर खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, इस देश का बहुजन जमात खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं। सबको सारा सेना अध्यक्ष हिंदू ही है, सारे सीएम पीएम डीएम सब हिंदू, तभी हिंदू खतरे में है। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, वो आपके अधिकार जो है ऐसे जो मारे हुए डंक ऐसे फन फैला के उस पर जब जब खतरा आता है तो आप कहते हो हिंदू खतरे में। तो साथियों इसमें कह रहे हैं जो जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं अगर उसको लागू किया जाए एनआरसी में, तो मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी में लाखों करोड़ों लोग लगे थे लाइन में, और ये वोटबंदी में 130 करोड़ में से 110 करोड़ लोग भी लाइन में रहेंगे, लाइन में। तो आप सोच लो कौन सी सरकार है, मान लो 50 करोड़ लोग नागरिकता नहीं साबित कर पाए, 50 करोड़ लोग नागरिकता नहीं साबित कर पाए तो उसको क्या करोगे, जेल में रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाओगे। तो पहले 50 करोड़ लोग तो मान लो अंडा बेच रहा था, पंचर लगा रहा था, मजदूरी कर रहा था, तो अपना घर परिवार पेट तो पाल ही रहा था, लेकिन उसको जब जेल में बंद करोगे तो 50 करोड़ लोगों को तो खाना भी खिलाओगे ना, वो भी बैठा के। तो जरा अर्थशास्त्र को यहां छात्र होंगे जो शिक्षक होंगे, जरा ये जोड़ के बताना कि अगर 100 रुपया एक आदमी पे खर्चा रोज आ रहा है तो एक महीने में 3000 हुआ, अब 50 करोड़ लोग से उसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा, जरा ये बता देना साहब, समझ रहे बात? तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं बनाएगा, ये समझिए, ये करेगा क्या कि आपकी नागरिकता खत्म, वोट खत्म, नहीं साबित कर पाए तो वोट खत्म। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे नाम का ना जमीन है, कुछ नहीं है, एक नौकरी है, एक वोटर आई कार्ड मेरे जेब में है, वो वोटर कार्ड वालों ने मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया है, मैंने लिख के दिया तो वो भी ठीक नहीं कर रहा आज तक, तो नौकरी नहीं रहेगी तो वोटर आई कार्ड होगा, वो बोलेगा ये भी ठीक नहीं था, मेरी नागरिकता गई। तो नागरिकता जाने का खतरा क्या है पहले ये समझिए, वो खतरा ये है कि आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आरक्षण भूल जाइए, अभी
मौलिक अधिकार जो संविधान में सबसे बड़ी बात खाली आरक्षण नहीं है, वोट देने का अधिकार है। तो नागरिकता खत्म तो वोट देना खत्म, तो वोट देना खत्म तो फंडामेंटल राइट खत्म। तो जितने खत्म हो गए थे, स्कूल जाने का अधिकार खत्म, आपके संपत्ति के अधिकार खत्म, आपके नौकरी के अधिकार खत्म, तो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सरकार कोई जेल नहीं बनाएगी, कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं बनाएगी, ये पूरे भारतवर्ष को ही जेल बना देगी। बोले बहुजनो तुम इसके अंदर रहो और हमारे खेत में मजदूरी करो, कोई गौशाला खोलो, कोई बाल काटने का ट्रेनिंग लो, कोई जूता बनाने का ट्रेनिंग लो, यही रहो, सिर्फ तुमको काम करना है। तो ये क्या है, ये मनु राष्ट्र की तैयारी की बात है, इसलिए हम लोग को इसका विरोध करना है। अगर यही संविधान सीधा और सीधा संविधान पर हमला, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, आप समझते हैं आज के बारे में। अब मैं देख रहा हूं 10 साल बाद क्या होना है, वो मैं देख रहा हूं, इतिहास का छात्र हूं, सारी लड़ाई इतिहास में ही होगी। एक बार वो खत्म तो जितने हमारे साहब लोग यहां बैठे हुए ना, 3-3, 4-4 फ्लैट खरीदे हुए और 3-3 करोड़ रुपया बैंक में रखे हुए है? हमारे साहब बहुजन में बहुत साहब लोग हैं, 4-4 फ्लैट है, बंगला है, फार्म हाउस है, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ फिक्स डिपोजिट है। तो सारे साहब लोग का भी वो सब वापस आना, ईडी के पास सब सूचना होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास और ईडी के पास, सारे साहब लोग का वापस आया, चलो खेत में काम करो। तो साहेबगिरी छोड़िए, संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से ये मिला है आपकी साहेबगिरी। और देखिए बाबा साहब अकेले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लड़के आपको आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, आरक्षण, वोट देने के अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सब लोग सब कुछ आपको दिया। और आज देखिए सैकड़ों एमएलए, सैकड़ों ये एमपी, कितने सारे मिनिस्टर, कितने सारे कलेक्टर, एसपी, कितने सारे बिजनेसमैन, हजारों हजार लोग होके रहते, ये सारे आपके अधिकार चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं ये बात आप सोचिए, क्योंकि आप सब हम सब अपने और अपने घर के बीच में सिमट के रह गए। कभी हमने पूरे जमात की रक्षा की बात नहीं की, कभी अपने घर से हमने इंटेलेक्चुअल्स नहीं तैयार किए, बुद्धिजीवी नहीं तैयार किए। तो हम कलेक्टर हैं तो मेरा बेटा भी कलेक्टर बन जाएगा, तो 60 साल तक बेचारा नौकरी करेगा, जब रिटायर हुआ तभी दरवाजा खुलेगा, तो उसके बाद कहां, उसके बाद तो एनर्जी नहीं रहती है। हम अपने घर से हमें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे सम्रांत लोग हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, अपने बच्चों को आप कलेक्टर एसपी मत बनवाओ, उसको वकील बनवाओ, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, उसको इकोनॉमिस्ट बनाओ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाओ, हिस्टोरियन बनाओ, विदेश भेजो। तो खुद बाबूगिरी किए और जिंदगी भर उससे भी बाबूगिरी कराओगे, और जब जमाती संकट में रहेगी, बेचारा गरीब लोग क्या लड़ेगा आपकी लड़ाई, ये लड़ाई तो पढ़े लिखे लोगों को लड़ाई लड़नी है, ये लड़ाई उनको लड़नी है जिनके पास देने के लिए कुछ है। आप जब सड़क पे आएंगे, आप जब कुर्बानी देंगे, आप जब आह्वान करेंगे, तो हमारी जमात, हमारे मंगरू चाचा जो गांव में मजदूरी कर रहे हैं, जो जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो तो आपके साथ आने के लिए तैयार ही है। पहले आप अपने कोजी जोन से बाहर निकलिए और कम से कम 10-20-50 इंटेलेक्चुअल तैयार कीजिए, जो लेख लिखे, जो बोले, जो आपके बीच जाए, बात करे, टिकटार्थी नहीं, टिकट विकट वाला आदमी नहीं, ऐसे लोग जिसमें कुछ देने का जज्बा हो। हम लोग तो मास्टर लोग हैं, हम जानते हैं कि भाई जब लिखेंगे पढ़ेंगे, कितने राजे महाराजे आए, लेकिन आज भी कबीर साहब की वहां पे समाधि लगी हुई है, बड़े बड़े लोग जाके वहां नमस्ते करते हैं। तो मरने के बाद अगर जिंदा रहना है साथियों, तो लिखो, जो लिखेगा वही मरने के बाद जिंदा रहेगा, नहीं तो पता नहीं कितने अंतरी मंत्री बाबा साहब के कैबिनेट में कितने मिनिस्टर थे, किसी का नाम आपको याद है? नहीं याद है। इसलिए बाबा साहब याद है कि उन्होंने इतना लिखा है, उनको जिंदा उनकी मूर्तियों ने नहीं किया है, उनको जिंदा उनकी किताबों ने किया है। इसलिए मरने के बाद जिंदा रहना है, किताब लिखो, आर्टिकल लिखो। मुझे लगता है मैंने ज्यादा वक्त ले लिया सर, की ट्रेन है सर, 2 मिनट में खत्म ही कर देता अध्यक्ष जी, अगर बोले जाएंगे कभी इत्मीनान से अकेले आएंगे तो फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा क्षमा के साथ
थोड़ा सेमिनार टाइप का रखा जाए और उसमें चर्चा करें तो ज्यादा थोड़ा सा और बात बनेगी, थोड़ा विस्तार से बात रखने की का मौका मिलेगा। तो मोटा मोटी बात हम लोगों ने समझ ली है क्या बात है। जब मैं स्टेज पे आया था तो दुष्यंत साहब की कुछ पंक्तियां किसी साथी ने सुनाई थी, यहाँ पे है कोई जिन्होंने सुनाई थी, उनकी पंक्तियां बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं और बार बार बात रिपीट करने की जरूरत नहीं, उसको पूरा करता हूं। इनफैक्ट इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। चिंगारी तो लाइए। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस ओर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। बात तो कर रही है, बात करना कम्युनिकेशन करना जरूरी है। एक और जरा सा ठंडी है, थोड़ा गर्मी का एहसास दिला दिया जाए तो दुष्यंत साहब की एक पंक्तियां और उसके बाद खत्म। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। जिस मनुवाद की बुनियाद हिलाना चाहते हैं उसको हिलाने के क्या तरकीब होगा सोचिए। हर सड़क हर गली हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, थैंक यू।